आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। मकसद था केंद्र और राज्य मिलकर देशित और आम जनता के लिए बनने वाली योजनाओं और नीतियों पर चर्चा करेंगे। चर्चा भी हुई, लेकिन मीडिया में नीति आयोग के मुद्दों से ज्यादा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुर्खियों में छाई रही। दरअसल ममता बनर्जी उस सूरत में भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंची थी जब इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दल जिनकी अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं उन सभी ने नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली या कहें बहिष्कार कर दिया। हाँ, ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में पहुंची जरूर थी, लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही आरोपों के साथ बाहर आ गई। दरअसल ममता बनर्जी कहती हैं कि उन्हें बैठक में बोलने ही नहीं दिया गया। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जहां 15 से 20 मिनट तक बोल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनका माइक केवल 5 मिनट के अंदर ही बंद कर दिया गया। अब ममता बनर्जी तो नीति आयोग का नाम बदलने की वकालत तक कर गई हैं। बंगाल सीएम तो यहां तक कह रही हैं कि अब कभी भी वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने आएंगी ही नहीं। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेप के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, आप रोड बंद करके रखा, ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी कहती है कि उन्होंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, मैं बैठक में भाग ले रही हूं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पार्टी के लिए अधिक ज्यादा गुंजाइश है, आपकी सरकार है, आप अपनी सरकारों को दे दीजिए जो जो देना है, विपक्ष से केवल मैं ही वहां हूं, ये दावा वो खुद करती हैं और कहती हैं आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। ये न केवल बंगाल का बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान भी है। अपोजिशन लेकिन अब ममता बनर्जी ने नीति आयोग पर बेहद तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि जब से नीति आयोग की योजना बनी मैंने एक भी काम होते देखा ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है। पहले योजना आयोग था, एक मुख्यमंत्री के तौर पर उस समय वो कहती हैं कि मैंने देखा कि एक व्यवस्था थी। वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बनाए गए नीति आयोग को खत्म कर अब योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। हालांकि ममता के आरोपों पर सरकार ने भी जवाबी प्रतिक्रिया दी है, जवाब दिया है सरकार ने। सरकार कहती है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री का माइक बंद नहीं किया गया, उनके बोलने का समय खत्म हो चुका था, बावजूद समय खत्म होने के बाद भी बेल नहीं बजाई गई। उनकी बोलने की बारी लंच के बाद आने वाली थी, लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक जो अनुरोध था उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया। ये बताया जाता है कि उन्हें जल्दी लौटना था, इसलिए जल्दी समय दे दिया गया ममता बनर्जी को बोलने का। वी ऑल हर्ड हर इवन एज़ शी स्पोक, एवरी चीफ मिनिस्टर वाज़ गिवन एन अलॉटेड टाइम एंड दैट वाज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन व्हिच वाज़ प्रेजेंट बिफोर एवरी टेबल। वी कुड सी 2 टेबल्स वुड हैव अ स्क्रीन बिफोर अस एंड वी कुड सी बिफोर अस द respective chief minister speaking, so did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. हालांकि विपक्षी दलों की जहां तक राज्य में सरकारें हैं उनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल के मुख्यमंत्री भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए या कहें कि उन्होंने भी बहिष्कार कर दिया बैठक का। इधर ममता बनर्जी की सियासत पर नजर रखने वाले जो राजनीतिक पंडित हैं वो मानते हैं कि ये ममता बनर्जी का सुर्खियां बटोरने का तरीका रहा है, यानी तमाम विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के बावजूद भी ममता बनर्जी बैठक में पहुंच गईं और फिर ना बोलने देने का आरोप भी लगा दिया और समय से पहले मीटिंग से बाहर भी आ गईं ममता और नीति आयोग को फिर से प्लानिंग कमीशन बनाने का मशविरा तक ममता बनर्जी ने दे डाला है। अब समझिए जो तमाम घटनाक्रम है इससे एक शंका जरूर पैदा होती है, जैसे कि राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ममता बनर्जी करें कुछ भी लेकिन वो सुर्खियों में हमेशा बना रहती हैं।